कैडेट 2022 का सेशन चल रहा है, तो इस सेशन के अंतर्गत जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग आपका एक काउंसलिंग पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है, स्टार्टिंग होने वाली है आपकी सेकेंड काउंसलिंग। तो सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप सभी को मैं कुछ जानकारियाँ महत्वपूर्ण देना चाहता हूँ जो कि आपके काउंसलिंग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो आपके मन में डाउट्स रहता है, क्या सेकेंड काउंसलिंग में सीटें वैकेंट रहती हैं या पेड सीट, NRI सीट, क्या क्या सीटें हमको चाहिए, आपके रैंक बेसिस को लेकर के। फर्स्ट काउंसलिंग में जिस स्टूडेंट को मैंने मना किया था या फिर जिन लोगों को मैंने बताया था, जिनको मना किया था उनको सीट नहीं मिली, जिनको मैंने बताया था प्रॉपर गाइड वे के रूप में कि आप पेड सीट फ्री सीट भरेंगे और ये कैंपस भरेंगे तो मिल जाएगी, उसी प्रकार से उन लोगों को सीट लॉक हो चुका है। अब वह आप अपना जा करके रिपोर्टिंग कराने जा रहे हैं। तो चलिए, हम लोगों का मेन मुख्य उद्देश्य है चारों कृषि विश्वविद्यालय में जो यूपी कैडेट के अंतर्गत आती हैं कितनी सीटें खाली हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की धरती से ही ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन अभी आपका चल रहा है। तो चलिए, हम चलते हैं अपने लेवल पर जहाँ से हम यूपी कैडेट की वेबसाइट ओपन करेंगे और पूरा आपको सीट वैकेंट का डाटा दिखाएंगे। आपको स्वयं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ब्राउज़र आप ओपन करिएगा अपने फ़ोन में और उसमें सर्च करेंगे क्या, इसको थोड़ा हम डेस्कटॉप साइट में बना लेते हैं, यूपी कैडेट एग्ज़ाम .org सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसको हम कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के उपरांत चेक करेंगे डेस्कटॉप साइट में है या नहीं है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आप इस प्रकार से देखिएगा, लेटेस्ट न्यूज़ देख रहा है तो इसको नहीं देखना है, थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के उपरांत ये इस प्रकार का आपको इंटरफेस देगा जो न्यू करके दे रहा है। इस पर करेंगे हम व्यू ऑल, पूरा देखेंगे इसमें क्या क्या लेटेस्ट अपडेट अबाउट यूपी कैडेट के बारे में यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है। लेटेस्ट अपडेट, जो भी लेटेस्ट वर्तमान का न्यू अपडेट आता है तो यहीं पर साइट के द्वारा आता है। अब आगे आएंगे तो देखिए काउंसलिंग की प्रोसेस, जो इसकी इंस्ट्रक्शन होती है ये हमने आपको बता दिया था कैसे कैसे काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, आपको कैसे काउंसलिंग कराना है। यह तो आपको ख़त्म हो चुकी है, इस पर वीडियो बनाने की अभी हमारे अनुसार कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे 13 नंबर पर वैकेंट सीट पोजीशन, इसी को कहते हैं रिक्त पद, कितनी सीटें यूपी कैडेट के अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट की सीटें वैकेंट मतलब खाली हैं, इसको देखने के लिए हमको करना क्या है, इस पर व्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार का कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। यू आर अबाउट टू लीव द वेब एप्लीकेशन ऑफ यूपी कैडेट 2022 एंड व्यू द कंटेंट ऑफ एक्सटर्नल वेब एप्लीकेशन, तो इसको कर देना है ओके। अब जैसे हम ओके कर दिए तो यहाँ पर बाधा यूनिवर्सिटी का लोगो, और क्योंकि इसका लोगो इसलिए आ रहा है, इन्होंने ही काउंसलिंग करा रहा है, एडमिशन इन्हीं के माध्यम से होगा, रिजल्ट इन्हीं के माध्यम से आया, एडमिट कार्ड इन्हीं के माध्यम से आया, एग्ज़ाम इन्हीं के माध्यम से आया और एप्लीकेशन आवेदन इन्हीं के माध्यम से हुआ, तो जिस वजह से आपका बांदा यूनिवर्सिटी का नंबर है इसका। अगले जो एग्ज़ामिनेशन होगा 2023 का यूपी कैडेट का या NDUT का रहेगा, फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी का, तब यहाँ पर लोगों आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इसी समकक्ष में हम डेस्कटॉप साइट बना करके चेक करते हैं। प्रोग्राम दे रहा है, पहला आपका प्रोग्राम दे रहा है, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा यूनिवर्सिटी और चौथा सीट टाइप। जो यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, सब्जेक्ट आपको जो चाहिए, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, इसमें आगे मैं बताना चाहता हूँ। UG का चेक करना चाहते हैं तो UG पर करते हैं क्लिक, और सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आप BSc एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, BBSc,
बायोटेक, बीटेक, डेयरी टेक और आजमगढ़ कैंपस, लखीमपुर खीरी कैंपस, फूड टेक्नोलॉजी की, मतलब जो भी कैंपस की सीटें हैं या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, डेयरी टेक का, फूड टेक का, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, जो भी आप लेना चाहते हैं उसका सीट चेक कर सकते हैं। जैसे हम कुछ करना है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का चेक, अब किसी यूनिवर्सिटी में हम कुछ चेक करना है, जैसे कि मैं पहले चाहता हूँ कि सीएससी यूनिवर्सिटी का चेक करें। सीट टाइप, अब इसमें देखिए फ्री का ऑप्शन दे रहा है, फ्री देखना चाहते हैं तो फ्री चेक कीजिए, पेड देखना चाहते हैं तो पेड, और एनआरआई देखना चाहते हैं तो एनआरआई पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। हमको सबको देखना है, सभी पर करते हैं ऑल पर क्लिक और सबमिट। सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका इस प्रकार का इंटरफेस आ गया, देखिए यूजी में दे रखा है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सीएससी यूनिवर्सिटी, यूआर का मतलब जनरल, जनरल में जनरल फ्री सीट 26 अभी अवेलेबल बची हुई है, सेकेंड काउंसिल में आपकी फिलअप हो जाएगी। अब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सीएससी यूनिवर्सिटी यूआर डीपी, डीपी की जो सीट है, डीपी कोटा की फ्री सीट एक है, यूजी में अभी फिर जनरल फ्रीडम फाइटर में आपकी एक फ्री सीट खाली है, पीएस फिजिकल हैंडीकैप विकलांग की दो फ्री सीट खाली है सीएसए यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी इम्प्लाई की अभी चार सीटें सीएसए में खाली हैं। ओबीसी में जनरल फ्री सीट अभी 17 बची हुई हैं अवेलेबल हैं, फ्रीडम फाइटर ओबीसी कैटेगरी में, यहाँ पर आपका कैटेगरी दे रहा है ओबीसी एससी, और ये आपका कोटा है फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप्ड, यूनिवर्सिटी इम्प्लाई और डिफेंस पर्सन, इस प्रकार के आपका यहाँ पर देखिए डीपी दे रहा है, डीपी का मतलब होता है डिफेंस पर्सन। इस कोटे के अंतर्गत आपकी सीटें खाली हैं। अब देखिए यूजी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एसटी, एक स्टूडेंट थे उसकी एसटी में, एसटी ग्रुप रैंक आपका अबाउट 5 था, उसको अभी एनडीयूटी में फ्री सीट मिला है, वह जब अपग्रेड कराएगी तो सीएसए में एसटी की जो जनरल की दो सीटें खाली हैं इसमें वो पहुंच जाएगी, मतलब एसटी में ही जनरल की नॉर्मल फ्री सीट दो खाली है, उसको अभी नहीं मिला है, अपग्रेड कराएगी तो सीएसए में आ जाएगी। अब आगे आइए, फ्री सीट ईडब्ल्यूएस में 4 खाली है, जनरल में पेड 10 खाली हैं, हम पेड फ्री एनआरआई सारी की बात किए थे, सारा फिल्टर लगाए थे हमने, इस प्रकार से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब यहीं पर हम बीएससी हॉर्टिकल्चर का चेक करना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे, नीचे पूरा आपका बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर जनरल फ्री पेड आपका टोटल आ जाएगा। पीजी में चेक करना चाहते हैं तो मास्टर पर क्लिक करेंगे, आप एग्रोनॉमी चेक करना चाहते हैं, फॉरेस्ट्री फिशरीज, जो भी आप चेक करना चाहते हैं, जैसे कि हमको एग्रोनॉमी का चेक करना है सीएससी यूनिवर्सिटी में, ऑल टाइप सीट चेक करना है फ्री पेड एनआरआई, तो सबमिट, तो हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी की जितनी सीटें हैं आपका पूरा ओपन होकर आ चुका है। अब सेकेंड काउंसलिंग के लिए आप आवेदन कर सकते हैं जो कि आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है। चलिए आई होप आपके सेशन समझ में आ गया होगा कि जो सीट वैकेंट है, पहले आपको पीडीएफ के रूप में आता था, इस बार पीडीएफ के रूप में इन्होंने नहीं दिया है, इस बार थोड़ा मॉडिफिकेशन किए हैं, काफ़ी बदलाव हुआ है। जैसे पिछले वर्ष प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता था, अटेस्टेड होता था, इस वर्ष हटा दिया गया है उस ऑप्शन को। बाकी जो भी इस बार वैकेंट सीटें हैं स्टेटस आप चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।